listening to Crick Chat, the World Cup special podcast from England on 7, powered by Sports Flashes. स्वागत है आपका क्रिक चैट वर्ल्ड कप स्पेशल फ्रॉम इंग्लैंड में ओनली ऑन 7 में. मैं मानस तपादार, मेरे साथ है बोरिया मजूमदार और विक्रांत गुप्ता. द टीम इज लुकिंग पॉजिटिव. हम आज देखे टीम के बहुत सारे प्लेयर्स, विराट कोहली एक्सेट्रा, बच्चों के साथ खेल रहे थे. बहुत मज़ेदार एम्बेसडर्स है ना ये. और विराट कोहली तो वैसे भी आप देखें इस वक्त पाइड पाइपर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, और विराट कोहली को देखकर कई जनरेशन इंस्पायर होंगी. और इंडियन टीम का बड़ा अच्छा जेस्चर है. ऑब्वियसली इट्स एन ICC इवेंट, बट ना सिर्फ एक या दो खिलाड़ी गए बल्कि तकरीबन आधी टीम आपकी गई है उसमें. विजय शंकर था, ऋषभ पंत खेल रहे थे, KL राहुल था, हार्दिक पंड्या, कोच रवि शास्त्री, बाद में विराट भी गए हैं. सो आई थिंक ये भी दिखाता है कि आपकी टीम एंजॉय कर रही है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो बाहर, और बच्चे लोगों के साथ जो हार्दिक पांड्या वो कैप लगा के बॉल लगा के खेल रहे थे, और वो लड़कियों से और बच्चे लोगों को इनकरेज कर रहे थे कि तुम भी हमारे साथ भागो, तुम हमारे साथ खेलो. दीज आर इंपॉर्टेंट जेस्चर्स. यू आर नॉट ओनली प्लेयर्स, यू नो यू आर ऑल्सो, एज विक्रांत यूज द वर्ड, एम्बेसडर्स. दैट इज वाई यू आर हेल्ड. आप आइकॉन ऐसे नहीं बन जाते हो कि जाके दो सेंचुरी मार दिया, 5 विकेट ले लिया. और ये जेस्चर्स ये भी दिखाता है कि टीम का मोरल कैसा है. मतलब अगर टीम हार रही होती या टीम का बीच में कोई तनाव था, they wouldn't have gone out and done this. It also shows that the team is in a very good space. But it has to be, because आपकी टीम को तो लोग देख रहे हैं ना. और ये आज थोड़ी हमें पता चला, आप right through the World Cup देखिए, even before the Pakistan game हमने बात की थी कि कैसे विराट का बॉडी लैंग्वेज इतना रिलैक्स था, कूल था. वो तभी होता है जब आपका ड्रेसिंग रूम खुश हो. सही बात है, सही बात है. आई मीन अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, जब हार्दिक पांड्या बच्चे लोगों के साथ खेल रहे थे और वो आउट हो गए, महेंद्र सिंह धोनी अपने टीम ड्रेसिंग रूम के बैल्कनी से अरे आउट हो गया बोल के चिल्लाने लगे, और युजवेंद्र चहल और उसके साथ और एक थे शमी, मोहम्मद शमी थे, उन्होंने चीयर भी कर दिया. और विराट तभी बाहर आ रहे थे, बोला अरे आउट हो गया, आउट हो गए बच्चे से, आउट हो गए. सो दैट वाज टेरिफिक टू सी. मतलब एक दूसरे के टांग खींचना. और एक खबर आ रही थी कि विजय शंकर शायद थोड़ा सा इंजर्ड है, लेकिन उनको कल प्रैक्टिस में बुमराह का गेंद लगा था सीधा, और उन्होंने आज प्रैक्टिस नहीं की, हल्की फुल्की उन्होंने जॉगिंग की. बोरिया के मुताबिक शायद वो फिट हो जाएंगे, बट अगर नहीं होते तो ऋषभ पंत, आई थिंक ऋषभ पंत बहुत अच्छा ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऋषभ पंत के पास अच्छा मौका भी रहेगा. आई थिंक द टीम नाउ हैज टू डिसाइड कि उनको ऑलराउंड एबिलिटी चाहिए या उनको एक बैट्समैन चाहिए. मतलब अगर उनको लगता है कि ऋषभ पंत की डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी है, भाई वो कुछ मैच जिताएंगे, कुछ मैच हरवाएंगे, अगर टीम उसको बैक करती है तो फिर ऋषभ पंत की तरफ जाएंगे. लेकिन विजय शंकर ने जो 2 विकेटें लिए लास्ट मैच में, वो ऑलराउंडर है, वो थोड़े सेफ और सॉलिड प्लेयर है. यही बात है, यही बात है. विजय शंकर का इंजरी देखो, विक्रांत ने जो आपको बोला वो ज़्यादा ट्रेनिंग उन्होंने नहीं किया, बट अभी राइट एट दिस पॉइंट जो खबर आ रहा है 40 घंटे हैं मैच में, वो इतना बुरा नहीं है. अगर यू नो अगर आप सोचोगे कि इंजरी नो, इट्स अ प्रिकॉशनरी मेजर. अगर वो नहीं भी खेलते हैं ना तो वो एक प्रिकॉशनरी मेजर. जब गेंद आपको लगता है यॉर्कर अगर आपके पैर पे, तो वो स्वेलिंग हो ही जाती है, वो पेन और स्वेलिंग तो हो ही जाती है. उसको आइसिंग करेंगे, वो असेस करेंगे कि क्या सिचुएशन है. विजय शंकर को अगर खिलाना आपको इंग्लैंड मैच या वेस्ट इंडीज मैच, चॉइस है, प्रॉब्लम नहीं, आपकी चॉइस है. बट आई वुड एग्री विथ हिम अगर ऋषभ पंत को आपको खिलाना है ना, इस मैच में खिलाओ. डोंट ब्लड हिम अगेंस्ट अफगानिस्तान के साथ खिलाओ. जो लाइसेंस दे दो, जो आपको रिस्क लेना है, जो एक्सपेरिमेंट करना है, इस मैच में करो. इंग्लैंड मैच में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी पूरा फायदा उठाओ. देखिए ऋषभ पंत को भी इस बात को समझना होगा कि उनकी एबिलिटी को लेकर कई लोग बड़े एक्साइटेड हैं, बट वो एक्साइटमेंट उनकी बैटिंग में नहीं दिखनी चाहिए. मतलब ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखनी चाहिए, वही तभी टेम्परामेंट के सवाल आ जाता है. एग्जैक्टली भाई, धोनी भी जब आए थे, धोनी जब आए थे तो धोनी भी तो इसी तरह के प्लेयर थे, लेकिन धोनी में वो मैच्योरिटी थी. धोनी अपने आप को हैंडल बड़ा अच्छा किया उन्होंने, कि मतलब मैं छक्का तो मार सकता हूँ, लेकिन क्या मैं सिंगल ले सकता हूँ, क्या मैं इनिंग खत्म करके आ सकता हूँ. छक्के मारने से प्लेयर बड़ा नहीं होता, प्लेयर बड़ा वो होता है जो मैच खत्म करके आए. इनफैक्ट जब सिलेक्शन टीम का हुआ था, यही पॉइंट था कि दिनेश कार्तिक मैच फिनिश कर सकता है. अभी कहाँ है दिनेश कार्तिक? टीम के साथ है, टीम में अभी 4 विकेट कीपर है, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत, KL राहुल भी विकेट कीपर. और आपके जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी MS के पास, वो भी विकेट कीपर ही थे, और वो भी यहाँ पे सो एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया, इसीलिए कि इतने सारे विकेट कीपर्स है टीम में. एक बार तो इंडिया की टीम गई थी साउथ अफ्रीका 1996, जिसमें 4 विकेट कीपर गए थे. उसमें आई थिंक नैन मोंगिया विकेट कीपर थे, विक्रम राठौर थे, सबा करीम थे, और पंकज धर्मानी भी थे. तो 4 विकेटकीपर लेकर गई थी इंडियन टीम 1996. यहाँ पे जो KL राहुल ओपन कर रहे हैं वो अलग बात है,
ऋषभ पंत को बैट्समैन के नाते लाया गया है, विकेट कीपर के नाते नहीं. थ्री डायमेंशनल प्लेयर्स. लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैनचेस्टर में पाकिस्तान के जीत के बाद ये जो दो दिन छुट्टी था, बीच में ब्रेक था, छुट्टी नहीं, तो उसमें हमने देखा काफी सारे हेयर कट्स बदले हैं प्लेयर्स के, विक्रांत को देख के. विक्रांत ने नॉटिंगहम में करके स्टेज सेट कर दिया है प्लेयर्स को, इनको देख के फॉलो करने. धोनी विराट ने भी हेयर कट कराया. आपको पता है मैंने किस डिजाइनर से कराया? उसका नाम है UMT. डू यू नो UMT का क्या मतलब होता है? द UMT डिजाइनर्स. बताइए, आप ही बता दीजिए. अंडर द मैंगो ट्री. ओके, ये झूठ बोल रहा है क्योंकि आम के पेड़ के नीचे विक्रांत बाजी का USP. दिस इज मॉडेस्टी इज द वर्च्यू ऑफ द फूल, सेड इज नो फूल. सो ये करवाए थे नॉटिंगहम में. हम लोग जब खाए थे ना, आप और मैं, याद है आपको, कबाब खाए थे हम लोग जब बरसात हो रहा था. उसका नेक्स्ट डोर एक दुकान था, उन्होंने फट करके बोला मैं आ रहा हूँ, जाके एकदम शेव हेयर कट करके आ गए क्योंकि उनको टीम को स्टाइल स्टेटमेंट देना. बोरिया भी कह रहे थे हेयर कट कराएंगे. बोरिया का आज कराएंगे ना, बोरिया का हेयर कट. क्या टिप्स देंगे बोरिया को, कैसा कराना चाहिए? टिप्स नहीं देंगे. बोरिया पीछे बी लिखना चाहिए हेयर की? नहीं नहीं नहीं, वो आप देखना आज, मतलब आप आज शाम को तस्वीर खिंचाना, मैं साथ जाऊंगा. ये देखो बस, आप तस्वीर खिंचा लेना. अरे भाई, मैं तो ऑलवेज बोलता रहता हूँ ये इनके साथ जाएंगे, बट मैं देखो स्टाइल स्टेटमेंट करने के लिए ना दम होना चाहिए, जिगर होना चाहिए. वो जो विराट कर रहा है, जो विराट कर रहा है, मेरे में नहीं है. मुझे तो बुढ़ापे में अटेंशन चाहिए ना, शायद मैं इसलिए कर रहा हूँ ये सब. मेरे में है नहीं बॉस, मैं एकदम सीधा साधा बंगाली बाबू, मैं जाके चुपचाप एक स्मार्ट हेयर कट करके आ जाऊंगा. स्टाइल स्टेटमेंट देने के लिए दम होना चाहिए, वो नहीं है. एक चीज मुझे ये पूछना है, क्योंकि आप लोग कितने दिन से क्रिकेट कर रहे हो, मैंने भी जो थोड़ा बहुत क्रिकेट कवर किया है, हमेशा पहले देखा जाता था जब टूर्स में इंडियन टीम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता था, कंट्रोवर्सी होता था, टीम में तनाव है, वो अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन इस बार टीम इतना अच्छा खेल रहा है, यू डोंट हैव वन विफ ऑफ कंट्रोवर्सी. देखिए मानस, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर द एग केम फर्स्ट और द हेन. जब आप जीतना शुरू कर देते हो ना, कई बार ये भी होता है, जैसे पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान जीतना शुरू कर देता तो शायद उनके भी कंट्रोवर्सी नहीं होती. तो कई चीज़ें हैं जो हम आई थिंक हम वी ऑल्सो लुक एट द स्कोर लाइन, द प्लेयर्स ऑल्सो लुक एट द स्कोर लाइन, दे आर हैप्पी. खुश आप कब होते हो? जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो. एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर ये टीम चार मैच में दो मैच हार गए होता, आज आप और मैं ये पांड्या जो बच्चे लोगों के साथ खेल रहे हैं और विराट नहीं रहे, ये सब नहीं होता. ये सब कोई चांस ही नहीं है बस, वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के कल का स्ट्रेटजी रूम में बोरिया काम भी किया गया है. विराट, रवि शास्त्री, यू हैव टू गिव देम द क्रेडिट. धोनी, मतलब भाई देव, रवि शास्त्री उस दिन कह रहे थे दैट ये ऐसे कर रहे थे कि वो जो ट्रैवल टीम, बेस्ट ट्रैवल टीम, ये सब बोल रहे थे ना, ही सेड आई आल्सो वांटेड टू पुट प्रेशर ऑन माय ओन टीम दैट दे हैव टू बिकम द बेस्ट ट्रैवल टीम. आई डोंट केयर व्हाट पीपल से, हमको अब इस टीम से आगे जाना चाहिए, और वही देखो हो रहा है इस टीम के साथ. इनफैक्ट आज हमने अफगानिस्तान के कोच फिल सिमन से बात की, जो उनके टीम में उल्टा हो रहा है पूरा, कि उनके टीम में जो तनाव है सिलेक्टर के साथ, कोच का तनाव, एक प्लेयर चाहे, और उनका तो बड़े सालों से चल रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज अगेन एक कंट्री नहीं है ना, डिफरेंट कंट्रीज हैं, और अगेन दे आर नॉट विनिंग. अफगानिस्तान, हालांकि अफगानिस्तान की डिफरेंट है. देखिए अफगानिस्तान इंग्लैंड आया था ये सोच के कि विल डू वेल, एक या दो बड़े मैच जीतेंगे. आई थिंक मौसम उनके अगेंस्ट चला गया, और उनके देखिए कभी आपने मोहम्मद शहजाद को हटा दिया, कभी कुछ हटा दिया, आई थिंक वहाँ पर स्पॉइल्स की लड़ाई हो रही है. हो रहा है, बिकॉज असगर अफगान को कैप्टेंसी से हटा देने के बाद पूरा टीम बिखर गया है. अभी बिखर गया है बिकॉज यू नो, एंड वो उसमें कोई सिनर्जी भी नहीं है कोच के साथ, चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स का ओपनली मारपीट हो रहा है ऑन ट्विटर, ये सब कोई चीज़ के टीम के लिए अच्छा नहीं हो सकता है. तो आज के लिए इतना ही. शुक्रिया बोरिया, शुक्रिया विक्रांत. हम फिर कल एक बार आपके साथ जुड़ेंगे क्रिकेट चैट वर्ल्ड कप स्पेशल फ्रॉम इंग्लैंड में. थैंक यू. यू आर लिसनिंग टू क्रिकेट चैट, द वर्ल्ड कप स्पेशल पॉडकास्ट फ्रॉम इंग्लैंड ऑन सावन, पावर्ड बाय स्पोर्ट्स फ्लैशेज.